हेलो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट लेक्चर है ग्राफ के ऊपर का और आज हम लोग पढ़ेंगे वी एस ग्राफ एंड वी स्क्वायर एस ग्राफ के बारे में यानी वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ एंड वेलोसिटी स्क्वायर पोजिशन ग्राफ ओके तो अगर कोई भी वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से ओके तो इसका जो स्लोप रहेगा स्लोप वो क्या रहेगा डी वी बाई एक्स। स्लोप क्या रहेगा डी वी बाई ओके, okay. बट हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ऑलरेडी वो है एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थेटा है ना वेर थेटा कौन सा एंगल रहेगा तुम जो यहां से टेंजेंट निकालोगे ये रहेगा थेटा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी एक्स जगह स्लोप या फिर टेंटा थीटा फोर ए इज इक्वल टू वी टेन थेटा देर फोर टेन थेटा और स्लोप दू ए बाई वी दिस इज द फॉर्मूला ओके तो वी एस ग्राफ के लिए तुमको ये याद रखना है कि उसका जो स्लोप होता है उसका जो थीटा होता है वो होता है एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी ओके क्लियर विद दिस ओके तो यहां से तुम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो वी टैन थीटा ये इक्वेशन से तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो जैसे फॉर एग्जांपल तुमको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लो वी उस पॉइंट पे थीटा निकाल लो और एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो इज सॉरी ये वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो एक्सेलरेशन इज वी टैन थीटा ठीक है समझ में आया सबको ओके okay. सपोज यह है वी स्क्वायर एस ग्राफ ठीक है तो यह रहेगा थेटा है ना यह रहेगा थे तो इसका जो स्लोप रहेगा वो रहेगा और वो रहेगा डीवी बाई डीएस या डीवी बाई डीएक्स ओके डीवी बाई डीएस भी लिख सकते हो यहां पर एस भी लिख सकते हो एस एक्स दोनों तो चलता है एक ही बात है ठीक है बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v डी वी बाई डीएस है ना हां सॉरी 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 यहां पे एक्सट्रीमली सॉरी इसका जो स्लोप रहेगा वो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर है ना तो इसका डेरिवेटिव रहेगा टू वी डीवी बाई डीएस एक्सट्रीमली सॉरी यहां पे ध्यान देना चेंज करना है थोड़ा सा इसका स्लोप रहेगा डी बाई डी एस ऑफ वी स्क्वायर जो ये रहता है ना ये आता है यहां पे v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा टू सामने आ जाएगा टू वी टू वी इंटू डी बाई डी एस चेन रूल लगाया तो तुम नोट डाउन करके रख लो अभी का है ना बाद में डिटेल में हम लोग समझते बैठेंगे इसको अभी नोट डाउन कर लो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिटिवी स्क्का डेरीवेटिव है टू वी डीवी बाई डी एस ओके लेकिन वी डीवी बाई डीएस क्या होता है एक्सेलरेशन तो देयर फॉर थीटा इज फोर टाइम्स थे तो देयर फॉर एक्सेलरेशन इज टेन थीटा बाई टू ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला यहां पे ये यह फॉर्मूला याद रखना एक्सेलरेशन इज टैन थे और यहां पे एक्सेलरेशन इज वी टेन थेटा ओके क्लियर विद दिस हा ओके इसका एक एग्जाम्पल लिया ठीक है एग्जाम्पल में क्या बोला है वी स्क्वायर एज ग्राफ दिया है तुमको एक्सेलरेशन निकालना है ठीक है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सिंपल वाला देखेंगे ये है लेटेस्ट से एस वन तो ये रहेगा वी वन ये रहेगा एस टू तो ये रहेगा वी टू है ना क्योंकि जब फिफ्टी सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ये एस वन है तो ये वी वन रहेगा और ये एस टू है तो ये वी टू रहेगा ठीक है तो एस टू माइनस एस वन मतलब डिस्प्लेसमेंट विच इज हंड्रेड माइनस फिफ्टी दैट इज फिफ्टी मीटर्स इसको मीटर में कंसिडर करेंगे इसका यूनिट नहीं लिखेंगे हम लोग ठीक है अब निकालेंगे v1 वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर वी वन स्क्वायर कितना है सॉरी ये v1 वन स्क्वायर आएगा v2 टू स्क्वायर आएगा है ना तो v1 वन स्क्वायर कितना आएगा 2000, है ना ये v1 वन स्क्वायर आएगा क्योंकि v स्क्वायर का ग्राफ है ना तो ये v1 वन स्क्वायर ये v2 टू स्क्वायर तो ये आएगा माइनस फिफ्टीन ओके तो कितना आ गया ये 500 क्लियर कोई डाउट किसी को hmm? तो वी टू स्क्वायर देयर फोर वी टू स्क्वायेयर माइनस वी वन स्क्वायर कितना आएगा माइनस फाइव ठीक है अब हमारा काइनामेटिकल इक्वेशन क्या है वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस है ना फॉर्मुला कितना है माइनस फाइव हंड्रेड टू एस कितना दिया हुआ है हम लोगों ने फिफ्टी निकाला तो कैंसल दे आर फोर माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू टेन एरो जीरो कैंसल तो ए इज इक्वल टू माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड दिस इज द फॉर्म वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन माइनस क्यों आया क्योंकि नीचे जा रहा है ना ग्राफ डिक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड आया सबको ओके नेक्स्ट इमपॉसिबल ग्राफ्स ये तो खास करके याद रखना चाहिए कुछ ही प्रकार के ग्राफ्स होते हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है ओके okay, तो वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला ग्राफ है ये एक्स टी ग्राफ ऐसा To X -axis. ये क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारी पोजिशन एक ही समय पर पार्टिकल एक्स वन पे भी है पार्टिकल एक्स टू पे भी है पार्टिकल एक्स थ्री पे भी है अंतरियामी है क्या पार्टिकल हा ब्रह्मा जी है क्या एक ही समय पर हर जगह रहेंगे भगवान है क्या वो है ना नहीं ना एक ही समय पर पार्टिकल इतने पोजिशन पे पॉसिबल ही नहीं सो दिस इज नॉट पॉसिबल तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है यानी एक्सटी ग्राफ विच इज पैर टू एक्स एक्सेस एक्सटी ग्राफ विच इज पैर टू एक्स एक्स नॉट पॉसिबल ये एक्सटी ग्राफ ये क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही समय टी वन पे एक्स वन पे भी है और वो एक्स टू पे भी है एक ही समय पे पार्टिकल सॉरी माइनस तो एक ही समय पे पार्टिकल दो पोजीशन पे नहीं हो सकता है हो सकता है क्या हाँ? चार सेकंड पे तुम इधर भी हो और इधर भी हो कैसे पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ना तो ये इसीलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल ग्राफ अब ये देखो एक ही समय पे टी वन समय पे उसकी वेलोसिटी वी वन भी है उसकी वेलोसिटी वी, वी टू भी है उसकी वेलोसिटी वी थ्री भी है पॉसिबल है क्या ऐसा यानी एक ही समय पे के पार्टिकल के पास में बहुत सारी वेलोसिटीज पॉसिबल है नहीं तो ये भी इम्पॉसिबल ग्राफ है मतलब कौन सा ग्राफ वीटी ग्राफ विच इज पैरल टू वेलोसिटी एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस को पैरल तो ये भी पॉसिबल नहीं है सॉरी यहां ग्राफ नहीं बनाया मैंने ये 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 ग्राफ 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 है 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 इसका ठीक पॉसिबल नहीं क्यों पॉसिबल नहीं है क्यों, नहीं? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है देखो ये नीचे आ रहा है ना ग्राफ तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहे हैं डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है विच इज नॉट पॉसिबल कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट रहता था तो समझ सकते थे पोजीशन रहता था यहां पे डिस्प्लेसमेंट रहता था या फिर पोजीशन रहता था तो हम लोग समझ सकते थे बट वहां क्या है डिस्टेंस तो वो पॉसिबल नहीं है तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगा पॉसिबल नहीं तो ये ग्राफ इंपॉसिबल है ये वाला ग्राफ टाइम इंक्रीजेस स्पीड ऐसा ग्राफ ओके okay. ये भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम के हिसाब से स्पीड इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकती है स्पीड निगेटिव या डिक्रीज नहीं हो सकती है ओके स्पीड कभी डिक्रीज नहीं हो सकती स्पीड कैन नेवर डिक्रीज क्यों क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज जब डिस्टेंस ही डिक्रीज नहीं हो सकता तो स्पीड कैसे डिक्रीज होंगी है ना मतलब स्पीड का डायरेक्शन सॉरी स्पीड कैन नेवर चेंज द डायरेक्शन है ना तो स्पीड कैन नेवर डिक्रीज भी बोल सकते हो ठीक है डिक्रीज भी लिख सकते हो दिस मीन्स दैट डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगी क्लियर विद दिस समझ में आया सबको तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ्स हो गए सभी के सभी ध्यान में रखना है ओके हाँ समरी ग्राफ की समरी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके ये ग्राफ कैसे रहेंगे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसको पॉइंट में बढ़ा देता हूं तो उसका पोजिशन फिक्स रहेगा जो वो वहां पर शुरुआत में पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो शुरुआत में यहां पर चार सेकेंड बाद में देखोगे भी यहां पर रहेगा दस सेकेंड बाद में देखोगे तो भी यहीं पर रहेगा तो उसकी जो पोजिशन रहेगी वो फिक्स रहेगी तो जो पोजिशन है वही रह रही है तो ये पॉसिबल यह ग्राफ पॉसिबल है तो तुम बोलोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आपने पॉसिबल नहीं है वो ग्राफ ऐसा था पैरल टू टाइम एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सिस था वो वाला ग्राफ ये ग्राफ टू टाइम एक्सिस है है तो ये है। उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी है ना स्ट्रेट लाइन बना लेना तुमने कोशिश करता हूं मैं स्ट्रेट लाइन बनाने का और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा ना ही वेलोसिटी रहेगी ना ही एक्सेलरेशन रहेगा तो ये हो गए ग्राफ्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ठीक है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में उसकी जो पोजिशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो सकती है तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है कैसा भी आ सकता है ओके यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा ओके इंक्रीज होगा पोजिशन इंक्रीज होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो रहेगी ये एक्सेलरेशन जीरो का ग्राफ समझ में आए सबको तो ये हो गए ग्राफ्स फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओके ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है आएगा ऐसा ऊपर की तरफ कर आएगा आएगा ओके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वेलोसिटी ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है तो ये तीनों ग्राफ्स पॉसिबल है ठीक है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ग्राफ ऐसा आएगा ठीक है समझ में आए सबको ओके लास्ट पार्ट आज का ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म डिसलरेशन यूनिफॉर्म डिसलरेशन में ग्राफ ऐसे भी आ सकता है इसका ऐसा भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है ओके okay. ऐसे तो ग्राफ ऐसे आएगा इसमें और ये ग्राफ में फर्क है ये ग्राफ ऐसे है और ये ग्राफ ऐसे है समझ में आया सबको हाँ अब इसका वीटी ग्राफ इसका वीटी ग्राफ ऐसे नीचे आएगा ऐसा भी नीचे जा सकता है ऐसा भी नीचे जा सकता है ओके okay, इस तरीके से पॉसिबल है सभी पॉसिबिलिटी है या फिर अगर ये ये एक्सेस नीचे भी रही तो उस केस में ऐसा भी आ सकता है ठीक है तो यूनिफॉर्म डिसलरेशन के लिए तीनों ग्राफ पॉसिबल है तीनों ग्राफ पॉसिबल, है। तीनों ग्राफ पॉसिबल है।

कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज मोशन अंडर ग्रेविटी ओके दैट्स इट